ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए दक्षिण कोरिया और जापान की 6 दिवसीय यात्रा के बाद राजस्थान के सीएम बजलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का शनिवार को जयपुर आगमन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सीएम बजलाल शर्मा का जबरदस्त स्वागत किया। कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि किसी ने पुष्प गुच्छ तो कोई दुपट्टा पहना कर सीएम बजलाल का स्वागत कर रहा था। सीएम बजलाल ने मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम बजलाल को कार्यकर्ताओं ने गदा भेंट की और 21 किलो की माला पहनाई। जयपुर एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित इस स्वागत समारोह में कई कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ये यात्रा राजस्थान के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। इस यात्रा के दौरान कई निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आने की उम्मीद है। देखिए, विकसित भारत का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, और उस विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान का संकल्प, समृद्ध और सशक्त राजस्थान का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और उसी के निमित्त जापान और कोरिया जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में कैसे निवेश आए, क्योंकि राजस्थान में प्रचुर संभावना है। यहाँ देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक राजस्थान में है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है, यहाँ मैन पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, यही चीज़ें कहीं भी निवेश आने से पहले देखी जाती है। तो यहाँ सारी पॉजिटिविटी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा निवेश यहाँ आ रहा है। निवेश आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ की GDP बढ़ेगी, यहाँ का इंप्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और विकसित राजस्थान की संकल्पना को पूरा करने में राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आज पूरे पार्टी ने भी, रामजन ने भी, उद्योग जगत ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है कि उनकी अगुवाई में राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाडले सपूत का कौन स्वागत नहीं करेगा। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी धरती पुत्र हैं, राजस्थान के लाडले सपूत हैं, और राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर वन बनाने के लिए राजस्थान की नीतियों को सुलभ बना करके विदेशी निवेश राजस्थान में हो, अपने देश के उद्योगपति भी राजस्थान में निवेश करें, उस परिकल्पना को लेकर वो आगे बढ़े हैं। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए उनके विजन को आगे बढ़ाने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि यहाँ रोजगार सृजन हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, निवेशक निवेश करें, उत्पादकता बढ़े और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। निश्चित रूप से गिरिराज महाराज की कृपा से उनका संकल्प पूरा होगा। आप देखिए, वो जापान से लौटे, सुबह में उनकी अगवानी में था, कई निवेशक दिल्ली में ही आ गए कि साहब हम आपकी कार्यशैली देख करके और मोदी जी का जो विजन है उसको देख करके हम राजस्थान में हजारों करोड़ के निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट नहीं लगाया और कहा आइए, राजस्थान आपका स्वागत करता है, उद्योग स्थापित करिए, उत्पादन बढ़ाइए, आर्थिक स्थिति मजबूत करिए और मेरे प्रदेश के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराइए। मंडल के साथ जापान और कोरिया का दौरा करके आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की। वहाँ की 5 बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा हुई है जिन्होंने राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है, वहाँ की सरकार ने भी रुचि दिखाई है, इसीलिए जापानी जोन की तरह कोरियाई जोन बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री महोदय साहब ने जापान की यात्रा में इन्वेस्टरों से लगातार मीटिंगें की, मारवाड़ी समाज के उद्योगपतियों से मीटिंगें की, और वहाँ पर पूरा समय उपयोग करते हुए राजस्थान को विकास के लिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए, राजस्थान से रोजगार उपलब्ध, नौजवानों को रोजगार मिले उसके लिए, और राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं में उनका योगदान मिले उसके लिए ऐतिहासिक काम कई मीटिंगें की, और उसका पूरा चर्चा आपके सामने रखा गया है। मैंने आज सब ये जितने भी कार्यकर्ताओं से और जो लोग आए थे उन सब से पूछा तो बोले हमारे को बिना सूचना के हम सब इकट्ठे हुए हैं। क्यों हुए हैं? बोले हमें अभिनंदन करना है, मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक काम 8-9 महीने में किए हैं, उस क्रम में सबसे बड़ा एक काम और कर दिया, पहले जल वाला काम किया, अपराधियों पर लगाम कसने का किया, माफियाओं को अंदर करने का किया, साइबर क्राइम खत्म किया विकास के साथ साथ, और ऐतिहासिक बजट दिया जो दिया, और साथ में अब इन्वेस्टरों की बरसात भी शुरू हो गई। ये तो अभी प्रथम श्री गणेश हुआ है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसी है। दिवाली सामने आने वाली है, हम लोग कहते ही हैं मारवाड़ी लोग कि भाई अब तो सामी दिवाली,
सब आनंद ही आनंद है। तो सामी दिवाली आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी भी सारी कंपनियों के साथ बात करके, इन्वेस्टरों के साथ बात करके प्रदेश को विकास में लाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी ने गुजरात को गुजरात मॉडल बनाया, डेवलप किया, पूरे भारत में मांग उठी कि गुजरात का मुख्यमंत्री जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मोदी जी के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा लेकर और राजस्थान को विकास की गति पकड़ने के लिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए और इन्वेस्टरों को लाकर यहाँ पर प्रदेश में विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए, जितना अभिनंदन किया जाए, उतना कम है। देखिए, किसी भी स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत जरूरी है और उसी क्रम में जब आपके खुद के स्टेट के चीफ मिनिस्टर कंट्रीज विजिट करके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, लोगों से निवेश लगवाने की बात करते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव है। और मैं इसको बहुत ही सिंपलिस्टिकली अगर आप ये कहूँ तो जो हमने 9 महीने में देखा है कार्य होना और जो आने वाले 4 साल होने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन राजस्थान। निवेश बहुत ज़रूरी है और आप ये देखिए कि केवल निवेश ही नहीं, जब निवेश होता है तो जो यूथ होता है अप्रॉक्सीमेटली एजेड अबाउट 22 to 35, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो केवल निवेश फाइनेंशियल ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और इससे सब लोगों को फायदा होगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। देखिए, आदमी को अपनी कही हुई बात पे खड़ा होना रहना सीखना चाहिए। हमने कहा था कि हम देवली उनियारा के लिए पूरा काम करेंगे और इलेक्शंस का जब रिजल्ट आया था दिसंबर में, 5 तारीख से हमने शुरू कर दिया, ऑफिस भी है, काम भी हो रहा है और लोगों को भी फायदा हो रहा है। सी पॉइंट इज, कोई भी विधानसभा ज्योग्राफिकल मैप नहीं होती, उसके अंदर जो लोग होते हैं ना, वो विधानसभा होती है। अगर आप उन्हीं के लिए काम नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है। इसके अलावा निमराना में जापान को दिए गए विशेष औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर अब कोरिया के लिए भी राजस्थान में इकोलॉजिकल जोन स्थापित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस वर्ष 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन BIP और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन RICO के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग BIP है। इनका इन्वेस्टमेंट समिट पहले इन्वेस्टमेंट मीट जो मुंबई में 30 अगस्त को आयोजित हुआ था के दौरान राजस्थान सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 4.5 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन किए थे।